नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एन जी एस में। अच्छा, छह की गणित लगा रहे हैं दोस्तों हम। प्रश्नावली संख्या 11.4। पहले का बी प्रश्न है दोस्तों, पहले प्रश्न का बी है। कह रहा है, एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम। क्या कह रहा है दोस्तों? आयताकार हाल है, इस प्रकार आयताकार एक हाल है, शादी ब्याह में भी ऐसे हाल होते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, हाल की जो लंबाई है, लंबाई कौन सी होती है? जो बड़ी वाली को हम लंबाई कहते हैं, ये वाली लंबाई है दोस्तों, और ये चौड़ाई आयतक आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये भी लंबाई है और ये वाली चौड़ाई। आयत के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं दोस्तों। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है दोस्तों? इसकी जो लंबाई है इस हॉल की, चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। चौड़ाई को हम मान लेते हैं दोस्तों बी, चौड़ाई को मान लेते हैं बी। अंग्रेजी में बी से ब्रेड्थ होता है, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई होता है, इसीलिए हम बी मान ले रहे हैं चौड़ाई को। और फिर कह रहा है लंबाई कितनी है दोस्तों? चौड़ाई के 3 गुने से। लंबाई कितनी आ जाएगी? चौड़ाई के 3 गुना। चौड़ाई का 3 गुना 3 बी हो गया, है ना? ये चौड़ाई का 3 गुना से 4 मीटर कम, -4, और इसकी यूनिट है दोस्तों मीटर। यूनिट क्या है? मीटर, मीटर या फिर मीटर, ये मीटर में दे रखा है दोस्तों। ये बी भी हमने बी मीटर माना। कह रहा है यदि चौड़ाई बी मीटर है तो लंबाई क्या? अच्छा, बी ही दिया था। लंबाई हमारी हो जाएगी 3 बी -4, है ना दोस्त? और अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले यहाँ पे कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है दोस्तों आयत का क्षेत्रफल। लंबाई हमारा 3 बी -4 और चौड़ाई है दोस्तों बी। बी को अंदर भेजोगे ब्रैकेट में, ये 3 बी, और एक बार और बी। बी को एक बार लिखने के बजाय हम दोस्तों ऐसे लिख देते हैं, बी का स्क्वायर -4 बी, इतना मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आया। आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखें कि इस आयताकार जो भूभाग है, हाल है, इसका परिमाप क्या होगा दोस्तों। परिमाप इसका कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।